नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजनीतिक अखाड़े के सबसे बड़े मंच न्यूज 20 इंडिया पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए संतोष साहिवाल और सीताराम गुप्ता की खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि केरल में मानसून की बारिश गिरने लगी है और सही भी है, और हमारे राजस्थान की मरुधरा में यह मानसून की बारिश इसी महीने की आखिर में गिरने लगेगी। जनाब अगर हिंदी महीने की बात करें तो अभी ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी कि जून के आखिर में आषाढ़ और फिर गिरने लगेगी सावन की फुहार। अब मौसम का मजा तो आपने ले लिया, लेकिन सियासी मौसम कैसा होने वाला है जरा यह भी जान लीजिए। मरुधरा का सियासी मौसम भी वाकई बार बार हैरान करता है। जब मरुधरा में इस महीने की आखिर में मानसून दस्तक देगा, बस लगभग उसी वक्त सूबे में सियासी मानसून आने वाला है और यह भी कईयों को भिगो देगा। किसी को गुस्सा आएगा, कोई गुस्सा दिलाएगा और कोई खुश होगा। यूं तो बारिश आसमान से बरसती है, लेकिन यहां तो सियासी बारिश होगी, उसमें काफी कुछ हाथ इनका भी होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस महीने की आखिर में जो सियासी मानसून आएगा वह किस अंदाज में होगा, या यूं कहें कि उसका अंदाज बया कैसा होगा। हुजूर, खबरें ये हैं कि हमारे इन साहब ने ऐलान कर दिया है कि इस महीने की आखिर में सूबे में सियासी नियुक्तियां कर दी जाएगी, और माना जा रहा है कि यह नियुक्तियां करीब 10 से 15,000 के बीच होगी। वाकई जलसा बड़ा होगा, मेहमान भी खूब होंगे, लेकिन साहब हुक्मरानों के लिए चुनौतियां तो काफी बड़ी होगी, क्योंकि जाहिर है कि हर एक के हाथ में लड्डू नहीं हो सकता, तो फिर सियासी मानसून वाली कला भी होगी, यह भी साफ है। दरअसल जिस तरह से मरुधरा की कांग्रेस में दो गुट बने हैं और इन गुटों के हीरोज को आप भी जानते हैं, इस सूबे के माननीय मुखिया और पब्लिक के यह चहेते साहब जनाब सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हैं और इनके चाहने वाले इनके बारे में लिखते भी बहुत हैं। उन्हें सीएम की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं, और फिर चाहत तो इनकी भी होगी कि जो सूबे में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें भागीदारी भी इनकी उतनी ही होगी जितनी इन साहब की। और जनाब पक्का मानिए, यहीं से सूबे की सियासत में वर्चस्व की जंग फिर शुरू होगी, माना जा रहा है। और हम दुआ भी यही करते हैं कि साहब कोरोना महाराज की विदाई हो जाए ताकि इसके वायरस से लोगों को निजात मिले। लेकिन कोरोना वायरस तो चला जाएगा, फिर सियासत के वायरस से आखिर हमारी पब्लिक कैसे बचेगी। जनाब कोई टीका भी नहीं, बस टीका यही है कि सबको सीट मिले, यही भी चाहेंगे कि इनकी ही चले, और यह भी चाहेंगे कि इनकी चहेतों को जगह मिले, तो कहानी बस इतनी सी है। हालांकि जिस तरह मानसून से पहले की बारिश होती है, कुछ उसी तर्ज पर हमारे हुक्मरानों ने नाराजगी भी जताना शुरू कर दिया है। साहब यही तो है प्री मानसून सियासत। अब इन साहब को देखिए, नाराज हैं, बेहद नाराज, इस्तीफा भी दे डाला, अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे और फिर कहा जा रहा है वहां अपने तेवर दिखाएंगे। जरा इन साहब को भी देख लीजिए, धार कुछ ऐसी दिखाई कि सबको परेशान कर डाला। जनाब यह भी इन साहब से नाराज है, कहने का मतलब है कि नाराज तो कहीं हैं, किन किन का नाम गिनाए फहरिस्त लंबी है। नाराजगी में कुछ सामने है, कुछ पर्दे के पीछे है, बस जैसे ही मौका मिलेगा अपने तेवर दिखाना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए, इस महीने की आखिर में या अगले महीने सावन शुरू होते ही यह भी सावन की बारिश की तरह बरसेंगे। सियासी तेवर की बारिश कुछ ऐसी हो सकती है, कईयों को भिगो देगी, कोई मजे लेगा तो कईयों को यह सियासी बारिश रास नहीं आएगी। बस फिर क्या होगा, डॉक्टर्स का इंतजाम और इलाज के लिए पर्चियां भी यहीं से आ सकती है। कल कुल मिलाकर
खेल सियासी होगा क्योंकि सियासी नियुक्तियों की बारिश होगी। अब इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही सियासी तस्वीरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।